उस्ताद मोहतरम जनाब आसिफ शरीफ साहब सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं मोहम्मद रिजवान शकरगढ़ से। सर ये देसी गुलाबी लहसुन पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पे, सर ये इसकी एज आज हो गई है 4 माह, यानी 20 अक्टूबर का लगा हुआ है, और जब ये वीडियो बन रही है तो आज इस 4 माह का हो गया। इसकी ग्रोथ सर 3.5 फुट 4 फुट तक माशाल्लाह इसकी इसका कद हो गया। सर ये पिकनिक के अजायब में से एक अजूबा है, ये लहसुन जो पिकनिक पे मैंने लगाया है। सर ये सर मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखें सर, और जो सर रवायती लगे हुए हैं लहसुन मेरे आस पड़ोस या गांव में, तो वो सर बीमार हैं, उनको फंगस आया हुआ है। कोई कुछ पूछ रहा है मुझसे आके कि ये क्या करें हम। मैंने कहा क्या करना है, तरीका काश्तकारी बदलो भाई अपना, पिकनिक पे आओ, आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये माशाल्लाह सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी ग्रोथ है सर इसकी, और कोई बीमारी नहीं है सर। एक ही पानी लगाया हुआ है जिस दिन का लगाया हुआ है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई खाद नहीं है, सिर्फ सीड लगाया मल्च की और बस एक पानी लगा। रिजवान बेटा, बहुत मैनू ज्यादा खुशी हुई है तेरी कामयाबी देख के, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। अल्लाह तेनू बहुत ज्यादा कामयाबी अता करे, अच्छा काश्तकार बनाए और अच्छी खुराक अच्छे सस्ते दामों पैदा करने जरिए ना सलाहियत दे, और तू पूरे इलाके का एक रहनुमा बन जाए, अपने जरात का जरात अफसर बन जाए उत्थे पूरे इलाके का, ते सारे इलाके की गुरबत जड़ी है उन्होंने दूर कर दे। मैं ते बहुत ही ज्यादा खुश हूं तेरी इस कामयाबी तो, और बहुत ज्यादा मेरी तरफों मुबारकबाद रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी ये सारा तुहाडियां मेहनत और काविश का नतीजा है सर, असी इस काबिल कित्थे सी, तो बहुत शुक्रिया सर, तुसां सानू इस मैथड दे बारे, पायदार कुदरती निज़ामे काश्तकारी दे बारे दस्या, और एक कुदरत दे निज़ाम दे बारे समझाया सानू। साडा ते इलम ही नहीं सी, साडी ते अकल ही नहीं सी इस काबिल हैगी सर कि असी इस तरीके नू समझ सकदे, तो बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसां साडे नाल इन्नी मुहब्बत करदे हो, ते खैर मुबारक सर, खैर मुबारक, तुहानू भी बहुत बहुत मुबारकबाद है सर।